ऑथर और एनएसडी डेज का जिक्र कर रहे थे, हाउ वाज इट? आप, सतीश कौशिक, करण राजदान, मतलब वहां पे वहां तब आपको कुछ लिखते थे, कुछ जो टेक्स्ट मिलता था, या अपना डिप्लोमा वाला थिएटर कर रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्टिंग या गाने, कुछ तब ऐसा ख्याल आया था कि लिखना भी है, या ये एक सहज क्रम नहीं, में हो गया? मैं हमेशा लिखने में, मेरे को एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, एक्टिंग ही करता था मैं। सतीश कौशिक पोस्टर बनाते थे, ओके सतीश कौशिक, हम सब, हम बड़ा फिल्म, हमारा बड़ा फिल्मी बैच था, कविता चौधरी, मैं, आनंद देसाई, सुहास खांडके, गोविंद नामदेव, सतीश कौशिक, करण राजदान, हम बड़े फिल्मी थे। तो सतीश कौशिक, उन दिनों एक फिल्मी थी, वेजेस ऑफ फियर, एक फिल्म थी, तो जी उसने सोचा था कि इसका मैं, अगर हिंदी में इसकी कास्टिंग होगी तो कैसी होगी। तो उसने उसका, तो पहले किताब ले, फिल्म का नाम रखा डर की तनख्वाह, लिटरल ट्रांसलेशन था। और वो ओके क्या लिखते थे, डायरेक्टेड बाय सतीश कौशिक, स्टारिंग अनुपम खेर, आनंद देसाई वगैरह वगैरह। बट बहुत इंटरेस्टिंग बैच था हमारा। मैं एक बार प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पाया था, अलकाई साहब का एक और किस्सा है, मैं किसी कारणवश मैं एक रिश्ते में इन्वॉल्व था, तो उसमें मैं प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहा था, और अलकाजी साहब ने कह दिया था कि अगर कल आप, सेकंड ईयर में, अगर कल आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करके नहीं आए तो स्कूल छोड़ दीजिए, मुझसे डिस्कशन भी मत करिए, या तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप ISBT बस स्टैंड पे होने चाहिए। पर ये मैंने, 1:30 उनकी क्लास 2 बजे होती थी, तो मैंने उन सबसे हाथ भी मिला लिया क्योंकि मैं नहीं कर पाया था। और सतीश कौशिक को मैंने कहा था तू मेरा प्रोजेक्ट कर दे, तो उसने कहा मैं अपना करूंगा या तेरा करूंगा। नामदेव से मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो बेचारा खुद अंग्रेजी और हिंदी में, मेरी तरह कमजोर था, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में। तो इस उधेड़बुन में अलकाजी साहब आ गए सडनली, तो मेरे को स्कूल छोड़ने का मौका नहीं मिला, तो आके मैं बैठ गया, मैं 5वें नंबर पर बैठा था, और आते गुस्से में उन्होंने पूछा, आई विल, हैज एनी, एवरीबडी डन द प्रोजेक्ट? तो सबने हाँ बोल दिया, और मेरी भी, मैं भी चुप रहा। मैंने कहा तो आ गए, अभी कुछ नहीं कर सकता। तो कहता नो, आई एम गोइंग टू आस्क इंडिविजुअली, हैव यू डन योर प्रोजेक्ट? तो अब आप गर्दन को नोट करना, आनंद देसाई, आई हैव डन सर, नामदेव, आई हैव डन सर, सतीश कौशिक, आई हैव डन सर, कविता चौधरी, आई हैव डन सर, अनुपम खेर, आई विल डू सर। और वो आगे निकल गए, बोला मैंने आई विल डू था, और सबने मित्र देखा और सबने कहा कि वाह, और मैं बच गया, और मैंने जल्दी से लिख के कॉपी में डाल दिया। उसके कुछ 10-15 साल बाद, सुनिए, गुरु गुरु होता है, अलकाजी साहब मुझे पहलगाम में मिले। अलकाजी साहब ने कहा कि अब तुम फिल्म स्टार बन चुके हो अनुपम खेर, चलो अब तुम मेरे साथ बियर पियो। तो हमने पहलगाम की नदी में बियर की बोतलें ठंडी करते हुए, मैं, मेरे एक दो दोस्त, और अलकाजी साहब और उनके साथ उनकी दोस्त, और बैठे, और मुझे लगा आज मौका है बेटा अनुपम खेर अलकाजी साहब को बोलने का कि एक दिन मैंने आपको बेवकूफ बनाया था। मैंने कहा अलकाजी साहब मैं बुरा ना मानिए, कुछ कहूँ आपको? बोले हाँ हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा सर ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर वन डे आई एम मेड ए फूल ऑफ यू, तो मुझे कहते हैं आई विल डू सर। वाह, वाह, मतलब मेरे रोंगटे मेरे आंखों में। मैंने कहा मतलब, कहता आई न्यू इट अनुपम, आई डिडंट वांट टू थ्रो यू आउट ऑफ द स्कूल, व्हाट डू यू थिंक, आई डिड नॉट नो इट। ये होता है गुरु, वरना तो मुझे सबने बाय बाय नमस्ते कर दिया था। एक गोविंद नामदेव आपके मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, गोविंद नामदेव की सिलेक्शन हुई थी कबड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोविंद नामदेव आई थिंक इंडिया की टीम में या दिल्ली की टीम में कबड्डी खेलते थे, बट दिल्ली दिल्ली की तरफ से 2 स्कॉलरशिप मिलते थे, जी तो गोविंद नामदेव को मिल गया था। तो पहले दिन टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रहा था, हम सब दोस्त आपस में मिल रहे थे पहली बार, या नामदेव, मैंने एक एक्टिंग का पीस करके दिखाया, आनंद देसाई ने कुछ गाना करके दिखाया, सतीश कौशिक ने कुछ और। तो नामदेव को कहा कि अब तुम दिखाओ अपना कर्तव्य, उसने कहा मैं भी गाना गाता हूं। ना कबड्डी के प्लेयर का सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो कितनी देर तक अपना सांस रोक सकता है। जी तो नामदेव जी ने गाना शुरू किया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, अब हम बैठे हैं सुन रहे हैं, अब आया, अब आई अगली लाइन, तुम्हारे द्वार का मैं हूं जोगी, मैं जाके अपनी लाइब्रेरी से किताब इशू करा लाया, वो लगा भाई आनंद देसाई बाथरूम होके आ गया, सीधा बेहोश हो गया, क्योंकि उसने इतनी देर तक सांस रोका कि सडनली पानी वानी पिलाना पड़ा, उठ के फिर करता नहीं, हो गया, वो खत्म हो गया, तू बेहोश हो गया था भाई, उसका हमें जिक्र करता। बट नामदेव ने मेहनत करके, कोई भी इंसान एक्टर कैसे बनता है, बन सकता है इतना बढ़िया, इसका प्राइम एग्जाम्पल गोविंद प्रसाद नामदेव है।
That's why I think I always say in my acting school that acting can be taught. वो बहुत बोलते हैं ना अरे एक्टिंग तो अंदर से होती है कुछ अंदर से नहीं होता. He is the best example.